यदि दे कोई फंक्शन y इज इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स अप टू डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे ना। जैसे y बराबर कोई क्वेश्चन दिया है रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी और इसका डेरिवेटिव निकालना है हम लोग को फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। इसका हम डीवाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे ना, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट इस पे फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे ना। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि इसमें हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा बड़ कीजिएगा तो ये पहला वाला रूट जो है कट जाएगा और उसके बाद इसका सोल्यूशन निकलेगा। जैसे इसमें हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स अप टू डॉट डॉट कहां तक है ये इंफिनिटी तक है ना। तो इसका स्क्वायर हम जैसे करेंगे तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट जो है आपका कट जाएगा, क्या आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा ये वाई स्क्वायर बराबर एफ एक्स प्लस ये जो रिजल्ट जो आपका दिख रहा है ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, किसके रिजल्ट के बराबर होगा वाई के बराबर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसके रेस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बोलिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बीच बीच में आप लोग बोल सकते हैं किसके रेस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे एक्स। अब हो जाएगा वाई स्क्वायर का डीसी निकालेंगे तो पहले वाई, ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर का पहले वाई, वाई स्क्वायर का टू है और वाई का डीसी एक्स में क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स, लिख देंगे डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स में क्या होगा एफ एस एक्स और ये y का डेरिवेटिव x में क्या होगा dy by dx है ना। ये y dy by dx है उधर प्लस में, इधर लेके आएंगे तो माइनस ना जाए है ना, इसको लेके आइए इधर 2y into dy by dx minus dy by dx is equal to कितना हो रहा है f dash x, दोनों में dy by dx कॉमन ले लेंगे है ना। जैसे ही आप dy by dx कॉमन लीजिएगा रिजल्ट आ जाएगा 2y minus 1 is equal to f dash x। तो इसको हम लिख सकते हैं dy by dx बराबर, ध्यान दीजिएगा ये 2y minus 1 जो दिख रहा है ये into में गुना में, जैसे दूसरी तरफ भेजेंगे बाहर में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं f dash x by 2y minus 1 और यही जो रिजल्ट निकला आपका ये फॉर्मूला निकला है ना। तो इस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब जैसे कोई क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स अप टू डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी है और dy by dx निकालना है इसको हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, वैसे इसके लिए ट्रिक भी बताया गया है कि f dash x by 2y minus 1, लेकिन पहले इस पे लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है सब्जेक्टिव के लिए, 5 मार्क्स में पूछता है, 2 मार्क्स में पूछता है, 3 मार्क्स में पूछेगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे सब्जेक्टिव में बोले बनाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे ना। तो पहले लिख दीजिएगा वी है थोड़ा सजा देंगे इसको, हम सभी पाते हैं वाई बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स अप टू डॉट डॉट बोलिए इन्फिनिटी है ना। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा ये तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ना और ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी और ये सब का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से ध्यान दीजिएगा ये तो रूट कट जाएगा ना, सबसे पहले वाला रूट कटेगा इसमें, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस रूट अंडर, ये फर्स्ट वाला ही रूट कट है बाकी सब तो ऐसे ही रह जाएगा।
ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स ऑफ टू डॉट डॉट इंफिनिटी, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा ये जो रिजल्ट जो आप देख रहे हैं ये रिजल्ट किसके बराबर है, वाई के बराबर, ये पूरा रिजल्ट को यहाँ से हटाएं और इसके बदले हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे वाई को, यहाँ पे वाई रख देंगे, अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे है ना, यहाँ पे लिखेंगे सीधे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर का पहले आप किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे वाई, देख लीजिए जिसको दिक्कत है इस पर ध्यान देगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है ना, चेन रूल से इसको ब्रेक किया जाता है, डी बाई डी ये वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का किसी किस में निकालेंगे पहले वाई, और फिर यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी और वाई का डेरिवेटिव किस में निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, अब सॉल्व कर लीजिए y स्क्वायर का dc y में हो जाएगा 2y, y का dc x में हो जाएगा dy by dx, sin x का dc हो जाएगा cos x, y का डेरिवेटिव x में क्या होगा dy by dx है ना, ये dy by dx प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा है ना, तो माइनस में आएगा एक काम करते हैं dy by dx कॉमन भी ले लेते हैं साथ ही साथ, तो 2y minus 1 into कितना हो जाएगा dy by dx is equal to cos x, क्या किए हैं कि डीवाई बाई डी एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या किए कि दोनों में डीवाई बाई डी एक्स का जो टर्म होगा उसको कॉमन ले लिए, अब रिजल्ट आया डीवाई बाई डी एक्स बराबर ये कॉस एक्स वाई कितना है 2y माइनस 1, और यही जो रिजल्ट है सबका आंसर है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन बनाए दिखाइए, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक से बनाना होगा, जैसे मान लिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जल्दी दे आपको इसे एयर फोर्स में चाहे नेवी में चाहे डीए में या बोर्ड एग्जाम में, तो आप कैसे बनाइएगा, तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब भी रूट अंडर आपको अभी बताया गया है कि यदि वाई बराबर रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स अप टू डॉट डॉट यदि इन्फिनिटी रहता है इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो देन डीवाई बाई डी एक्स बराबर अभी बताया गया आपको क्या होता है एफ डैश एक्स वाई बोलिए 2y माइनस, ये जो पढ़े हम लोग, तो ये आपका ट्रिक रहा, ये आपका फॉर्मूला है ना, तो हम लोग डायरेक्ट यहां से बनाए थे, यहां पे एफ एक्स था तो आप वहां पे एफ डैश एक्स लिखे हैं यानी फंक्शन का आप डेरिवेटिव किए हैं, यहां पे sin x है एफ एक्स की जगह पे क्या है sin x, जब इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो dy / dx बराबर fx f(x) / 2y - 1, तो sin x है तो sin x का डेरिवेटिव cos x क्या हो जाएगा cos x, अब y में कितना होगा 2y - 1, यही जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो जाएगा, एक लाइन बन जाए, और भी इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो y बराबर रूट अंडर यदि कहीं cos x प्लस रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर cos x अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी दिया है और कहे कि आप इसका dy by dx निकाल के दिखाइए, तब देखिए आप dy by dx कैसे निकालिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग करें है ना, तो y का डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो सीधे dy by dx हो जाएगा है ना, cos x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे माइनस sin x / 2y माइनस 1, ये जो रिजल्ट है सो आपका आंसर हो जाएगा, एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन और भी दिया था देखिए भी होगा, जैसे y बराबर रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x अब टू डॉट डॉट इंफिनिटी है और कहे कि आप इसका dy by dx निकाल के निकालिए, तो कैसे dy by dx निकलेगा, आप जानते हैं इसका ट्रिक, dy by dx बराबर क्या होता है f dash x / 2y माइनस 1, क्या रिजल्ट होता है f dash x / 2y माइनस 1, तो y का डेरिवेटिव dy by dx है ना f dash x यानी x का डेरिवेटिव x में 1 by 2y minus 1, ये जो रिजल्ट है सब का आंसर हो गया ना, नोट कीजिए फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, यदि कोई फंक्शन y is equal to fx के पावर fx के पावर fx के पावर fx अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी हो, इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका dy / dx हम कैसे निकालेंगे है ना,
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे y बराबर है ना एफ एक्स के पावर। ध्यान दीजिए एक एफ एक्स लिखेंगे और बाकी हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा जो फंक्शन ये सब रिपीट कर रहा है ना, इस पूरे फंक्शन के बदले हम क्या लिख देंगे वाई, क्या लिख देंगे वाई। एफ एक्स के पावर सीधे क्या हो जाएगा वाई। अब पावर में वेरिएबल है तो वेरिएबल को हटाने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं ना, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ लॉग लेने पर हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स के पावर कितना हो जाएगा वाई। तो ये लॉग एम के पावर एन है ना, ये लॉग एम के पावर एन रहता है तो एन लॉग एम होता है, ये पावर में जो है ये इनटू में चलाएगा लॉग वाई बराबर ये वाई इनटू कितना हो जाएगा लॉग एफ। और आप जानते हैं कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में उसका हम डीसी कैसे निकालते हैं ना, यहाँ इस बात को लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में जी एक्स में, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल वाई को बाहर करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स प्लस लॉग एफ एक्स को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा वाई है ना। अब एक काम करते हैं तो लॉग वाई का डेरिवेटिव निकालते हैं किसमें वाई, लॉग वाई का सीधे वाई में कितना हो जाएगा वन बाई वाई, वाई का एक्स में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वाई इन टू log fx का क्या होगा log fx का पहले fx 1 by fx और fx का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा fx है ना, फिर लिखेंगे प्लस log fx into y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होगा डिवाइड बाय डी। ध्यान दीजिए dc यहां पे इसका निकलेगा और इसका निकलेगा, बाकी सब तो कांस्टेंट की तरह ऐसे ही रह जाएगा है ना। एक काम करो ये dy by dx जो दिख रहा है ये प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 by y into dy by dx minus log fx into dy by dx is equal to इसको सजा दीजिए कितना हो जाएगा ये y into f dash x y हो जाएगा fx। और ध्यान देंगे इसको दोनों में dy by dx कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही हम dy by dx कॉमन लेंगे हो जाएगा 1 by y minus log fx is equal to y into f dash x by fx। और ध्यान देंगे इसमें क्या करते हैं कि by 1 करके LCM ले लेंगे, जैसे LCM लीजिएगा हो जाएगा dy by dx into 1 minus y into log fx by में कितना हो जाएगा y है ना is equal to कि कितना हो जाएगा ये सब तो जैसे करते से रह जाएगा ना, इसको लिखेंगे y into f dash x by fx। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे लिखेंगे dy by dx बराबर है ना, थोड़ा सा इधर से साइड से मिटाएंगे इधर से मिटाएंगे केवल क्वेश्चन को मिटाएंगे बस, कितना रिजल्ट होगा ये हो जाएगा dy by dx बराबर देखते चलिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा y into f dash x by fx और इसको by में क्या लिखा जाएगा ये 1 minus बोले y into log fx, अब by में कितना हो जाएगा y। एक काम करते थोड़ा सा सुना लेंगे बस हो जाएगा, ये fx जो दिख रहा है ऊपर इसको लेके चले आएंगे नीचे है ना, और ये जो y जो दिख रहा है सबसे नीचे ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा dy by dx बराबर तो y into y मिलके y square हो जाएगा y square into f dash x by ये fx जो है ये चलाएगा नीचे, इसको हम लिख सकते हैं fx into 1 minus y into log fx और यही जो रिजल्ट हुआ सो आपका f dash x का रिजल्ट हुआ है ना। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में।